रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर का अब रुख करेंगे जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। माना यही जा रहा है कि कोरोना और लॉकडाउन पर मंथन हो रहा है, और इधर राहुल गांधी ने अपने बयान से तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे को फोन करके ये कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया और वो महाराष्ट्र सरकार और ठाकरे के साथ है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने इस मसले पर राहुल गांधी को घेर लिया। साहिल जोशी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, तमाम बातें हैं, कल भी आपसे बात हो रही थी तब ये कहा गया था कि जिस तरीके से शरद पवार पहले राज्यपाल से मिले, उसके बाद मीटिंग्स का एक दौर चला, शरद पवार उद्धव ठाकरे से भी मिले, आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है सहयोगी दलों के साथ, उधर राहुल गांधी की बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं उद्धव सरकार की मुश्किलें यहाँ पर कोरोना को लेकर बढ़ रही हैं। देखिए, मुश्किलें तो है कोरोना को लेकर, इस पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो मीटिंग आज बुलाई जा रही है, कहा जा रहा है ये इनकी हर 10-15 दिन के बाद एक मीटिंग होती है, जिसमें अधिकारी कोविड को लेकर जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनको जानकारी देते हैं, एक तरीके से सब कैबिनेट मीटिंग इसको कह सकते हैं। उसके साथ साथ एनडीए के घटक दल महीने में कम से कम 2 बार मिलते हैं अलग अलग मुद्दों पर, और जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों में खास करके विपक्षी दलों की तरफ से जो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया गया, कल भी नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र सरकार कोई पैकेज घोषणा नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार के तरफ से अब तक कई हजार करोड़ की मदद मिलने का दावा भी नेता विपक्ष ने किया था। तो इन सारे मुद्दों पर यहां पर चर्चा होने जा रही है। रही बात राहुल गांधी की, तो कल राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे से बात की, उन दोनों का आपस में संपर्क है। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से यह क्लैरिफाई किया गया कि जो उनका बयान के आधार पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वो गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, जबकि उनका कहना है कि कांग्रेस इस सरकार का भागीदार है, कांग्रेस इस सरकार में शामिल है और कांग्रेस इस सरकार के साथ में पूरी तरीके से खड़ी है। ये बात क्लैरिफाई करने के लिए राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे की बात हुई। उसके साथ साथ सुरजेवाला, रणजीत सिंह सुरजेवाला की भी संजय राउत से बात हुई थी, और उसके बाद कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट जारी कर दिया गया था, जिसमें राहुल गांधी का पूरा बयान रखने की कोशिश की गई थी कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में उसको लिया जाए। तो कुल मिलाकर अब सुलह सफाई की बात है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की बात शरद पवार की तरफ से भी उद्धव ठाकरे को कल कही गई थी, उसके बाद ये सुलह सफाई की बात है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोविड-19 में तीनों पार्टियों की सरकार है वो चले, उसकी तरफ पूरी कोशिशें चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि इस तरीके से अब सहयोगी दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, जाहिर तौर पर आगे की रणनीति कोरोना को लेकर क्या होगी इस पर भी चर्चा संभव। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।